सब अपने फ्रेंड्स को बता दो कि क्लास चालू हो गया है और आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं विच इज योर चैप्टर नंबर थ्री इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स ज्वाइन वेरी वेरी फास्ट गाइस वेटिंग फॉर यू ऑल टू ज्वाइन गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन आई होप आई एम ऑडिबल विजिबल एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन गाइज सब कुछ सही चल रहा है गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गॉड ब्लेस यू ट्रैवल विथ एस एस आर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सी एम इंटरमीडिएट का बच्चा है ओके देवयानी इट डजेंट मैटर इवन इफ यू आर न्यू फॉलो द डोंट वरी फॉर इट ऑल राइट सो आई होप आप लोगों को क्लासेस करने में मजा आ रहा है ऑलरेडी हम लोगों ने मिशन में चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर फोर और प्लस उसका मिंटी मिंटिक्वेज भी जमकर खेल चुका है तो बहुत मजा आया था टू और फोर करने में फोर सबसे लेंदी था और अब हम लोग जो चैप्टर स्वीक कर रहे हैं ये भी थोड़ा लेंदी है ठीक है फटाफट आ जाओ यस yes, दर्शन इट इट्स इन कोलकाता बट रनिंग ऑल ओवर इंडिया रिविजन सेशन आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट वीक के सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? सो वेरी फास्ट तो फटाफट एक लाइक बटन तो हिट कर दो अटेंडेंस दे दो लाइक बटन हिट कर दो गाइज और आप लोग अपना फीडबैक देना बंद कर दिए हो तो so, आज जो भी लेक्चर होगा उसका फीडबैक जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में जाकर फटाफट विद फुल फायर विद फुल एनर्जी द सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट तो मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप लोग बहुत लो 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 लग रहे हो यस yes, शुभम आप चैप्टर टू स्किप मत करो बहुत ईजी है इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी पांचों चैप्टर में से ना चैप्टर टू ऐसा है जो सबसे ईजी है मेरा मिशन में दो क्लासेज है सिर्फ दो क्लासेस दो घंटा आप खाली देख लो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट मानो दो घंटा देखो और प्लीज फीडबैक जरूर देना क्लासेस देखने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर टू याद नहीं हो गया तो मेरा नाम चेंज कर देना यस रोहित गुड इवनिंग आई थिंक यू आर लेट फॉर द डे वेर इज आकाश रोशनी आई होप एवरी वन इज देर शुभम यस शुभम गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन चलो बताओ हाउ इज योर एनर्जी लेवल क्या हम लोग रेडी करें क्या हम लोग स्टार्ट करें आज का सेशन क्या हम लोग कोई बात नहीं में ऐसा होता है कि हम लोग जो टारगेट सेट करते हैं ना कभी हम लोग कम अचीव करते हैं कभी ज्यादा अचीव करते हैं तो हो सकता है कि सेवन डेज में एक डे ऐसा हो कि आपने कम पढ़ाई की है तो इससे आप लो मत फील करो ये सोचो कि आज हमने रेस्ट किया है और कल डबल एनर्जी से हम लोग पढ़ाई करेंगे और जो हमारा अनफिनिश टू फिनिश ऑफ ओके सो डोंट फील लो डोंट फील लो यस आयशा आप जो है ग्रुप टू का लाइव क्लासेस भी कर सकते हो ग्रुप टू का EIS, का मेरा नया लाइव बैच चालू होगा मोस्ट प्रोबेबली एंड से तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी से ग्रुप टू स्टार्ट करना है तो ऑलरेडी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस आर अवेलेबल विच इज कवरिंग ऑल द लेटेस्ट अमेंडमेंट यू कैन ऑल्सो टेक दैट ठीक है तो आपको जो लेना आप लोग कोई दिक्कत का बात नहीं है सारे फ्रेश रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे यस टीशा आई विल बी टीचिंग यू फ्लो चार्ट्स आल्सो डोंट हाँ हाँ रोहित कर लो समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है यू कैन डू दिस नो आप घर में खुद से कर लेना ओके okay? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. भाई कितना टाइम लगता है एक लाइक बटन हिट करने में चलो विथ फायर विथ फुल एनर्जी लेट अस बिगिन विद द सेशन विथ फुल एनर्जी लेट अस बिगिन विद द फुल एनर्जी विथ फुल एनर्जी और मेरे बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो अपना अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे हैं जस्ट कंफर्म योर प्रेजेंस ओके चलो लेट अस लेट अस स्टार्ट द लेक्चर लेट अस स्टार्ट द लेक्चर तो बहुत मजा आने वाला है चैप्टर थ्री बहुत ईजी है और बहुत ही मजेदार है ठीक है चैप्टर थ्री का नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हो हिट द ठीक है हिट द बुलसाई जहां पे मैंने हर एक चैप्टर का समरी नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है एग्जाम्स में अगर आप मेन से नहीं रिवाइज कर पाओगे तो मेरे समरी ने नोट्स को भी आप पढ़ोगे तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि समरी नोट्स में सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड है सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं ठीक है और नोट्स का नाम क्या है हिट द बुलसाई सो आई होप दैट पर्टिकुलर नोट्स आर हेल्पिंग यू गाइज ओके चलो लेट अस बिगिन सेशन तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है तो ऑलरेडी हमने याद है चैप्टर नंबर टू में डिस्कस किया था सिस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है व्हाट डज द वर्ड सिस्टम मींस मैंने बोला था सिस्टम मतलब होता क्या है सिस्टम इज अंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेट्स विच आर वर्किंग इन एसोसिएशन टू अचीव अड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने एग्जाम्पल अ सिस्टम तो वैसे ही आजकल जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना एवरी इज यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो लोग यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए ठीक है जैसे मैंने एग्जांपल बोला था लोग ईआरपी का सॉफ्टवेयर लगाते हैं टैली का सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो ये तो सॉफ्टवेयर हुआ ना तो इसके लिए आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है तो यानी आप कंप्यूटर का पूरा सिस्टम बनाते हो नेटवर्क बनाते हो तो कंप्यूटर्स आप खरीदते हो तो कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिसको परचेस करना पड़ता है तो हार्डवेयर होता है हार्डवेयर के अंदर भी फिर फर्दर डिवाइसेज होते devices, devices, uh, devices, devices, हैं इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज स्टोरेज डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेज फिर सॉफ्टवेयर खरीदते हम लोग फिर उसके बाद हम लोग और क्या नेटवर्क बैठाते हैं फिर डेटा का रिक्वायरमेंट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में हेल्प करता है सो so ये सब जो है अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तो आइए मैं आपको एक सुंदर सा वीडियो दिखाऊंगी ये वीडियो देखने से आपका पूरा क्लैरिटी हो जाएगा ठीक है लेट एस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो ये वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आएगा ये वीडियो में मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका कॉम्पोनेंट्स के अंदर क्या क्या आता है ठीक है तो आप फटाफट हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम का कंपोनेंट्स के अंदर क्या 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 आता है बहुत अमेजिंग वीडियो वीडियो है एंजॉय तो मैं दिखाऊंगी कि एक बंदे को सीबीआईएस इंस्टॉल करना है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम उसे लगाना है तो वो मार्केट गया और कौन कौन सा कंपोनेंट्स को घर लेकर आया आइए देखते हैं वीडियो में आपने देखा कि वो बंदा गया हार्डवेयर खरीदा सॉफ्टवेयर खरीदा फिर उसके बाद असेंबलिंग करने के लिए एक इंजीनियर को बुलाया जिसने सारे पार्ट्स को असेंबल किए और फिर फाइनली पूजा करने के बाद हम लोग कोई भी शुभ काम होता है तो पूजा करने के बाद हम लोग अपना काम को शुभारंभ करते हैं तो वैसे ही उसने यहाँ पे ये किया तो ये बेसिकली वीडियो क्या पोर्ट्रे कर रहा था कि क्या क्या कॉम्पोनेट होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम का सो दिस वीडियो दिसकस अबाउट वट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट तो कौन था वो बंदा खुद जो स्कूटर से ट्रेवल करके गया तो यानी आपको क्या लगता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो अपने आप काम होगा क्या ऑब्वियसली नॉट लोगों का दरकार होता है पीपल पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपल के अंदर कौन आ गया जिन लोग ये कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे हैं डे टू डे इंप्लाइज एग्जीक्यूटिव पीपल मैनेजर स्टॉप लेवल मैनेजर सीआईओ है ना कंपनी का चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सीटीओ सीआईटीओ चीफ इंफॉर्मेशन टेक्निकल ऑफिसर चीफ टेक्निकल ऑफिसर तो ये सब क्या है मेरे बताओ अलग अलग लोग हैं जिन लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को यूज कर रहे सो so, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने क्या बोला पीपल होता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट क्या होता है फटाफट फड़ बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या होता है फटाफट फड़ बताओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट इज वॉट पीपल सबसे पहला कॉम्पोनेट क्या होता है पीपल दूसरा क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू व्हाट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया टैंजिबल पार्ट जो आप टच कर सकते हो देख सकते हो सॉफ्टवेयर हो गया इन टैंजेबल पार्ट जो आप टच नहीं कर सकते हो जो देख नहीं सकते हो जिसका फर्दर दो टाइप्स होता है कौन सा दो टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर डेटा रिसोर्सेज डेटा रिसोर्सेज का मतलब कि हम लोग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं लार्जर चंक्स ऑफ डेटा डेली रिलीज तो आप ये डेटा का मैनेजमेंट कैसे करते हो बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर लेकर रखते हो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर लगा के रखते हो सो दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट डेटा रिसोर्सेस जहां हम लोग सीखेंगे डीबीएमएस क्या होता है फिर उसके बाद ये इतने सारे कंप्यूटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सारे कंप्यूटर और कंप्यूटर रिसोर्सेज में हमें कनेक्शन बैठाना पड़ेगा उस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क लैन लगाना होगा वैन लगाना होगा इंटरनेट लगाना होगा तो ये नेटवर्क हम लोग जैसे बना रहे तो नेटवर्क के अंदर भी हम लोग डिस्कस करें कि नेटवर्क क्या क्या हो सकता है ठीक है थैंक यू आदित्य इट मीनस अलॉट थैंक यू आदित्य ऑल राइट आप प्राइस चेक कर सकते हो एमईपीएल क्लासेस की वेबसाइट में विजिट करके वहां पे स्ट्रक्चर डिस्प्लेड है ओके सो आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम फिर इसके पहले देखो मैंने ये दिखाया कि एक सिस्टम वर्क कैसे करता है ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था जब चैप्टर टू पढ़ा था वहां पर भी ये था कि हम लोग जैसे मैंने याद है बोला था दो टाइप का सिस्टम होता है एक मैनुअल एक कंप्यूटराइज मैंने बोला मैनुअल सिस्टम में थ्री प्लस टू कितना होता है फाइव तो आपने क्या किया इनपुट रिसीव किया प्रोसेसर है उसने कंप्यूटेशन किया और आपने आउटपुट बोला फाइव होता है फिर आपने उसको स्टोर किया लिख लिया कहीं पे या अपने दिमाग में स्टोर करके रखा है तो वैसे कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग कैसे होता है ये जो मैंने कंप्यूटर सिस्टम दिखाया दिस इज वर्किंग एज सिस्टम विच इज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल स्मॉल कॉम्पोनेट्स विच इज वर्किंग टूगेदर इन एसोसिएशन टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो पहला स्टेप क्या हुआ बताओ इनपुट ठीक है हमने इनपुट किया फिर उसके बाद उसका क्या हुआ प्रोसेसिंग हुआ फिर आउटपुट निकल कर आया और फिर हम लोगों ने उसका स्टोरेज किया और इससे क्या निकल कर आ रहा है फीडबैक निकल कर आ रहा है और राइट तो योग्य स्टेप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज फीडबैक कॉम्पोनेट्स हमने डिस्कस किया कंप्यूटर का कॉम्पोनेंट्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल का एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने बोला क्या क्या होता है सीआईओ सी टीओ तो ये सब आपको एग्जाम्स में वर्ड लिख कर आने हैं सी आई ओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर सी टीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर या फिर डे टू डे एग्जीक्यूटिव पीपल हु आर यूजिंग द कंप्यूटर तो बिना लोगों के कंप्यूटर चलेगा कैसे है ना हम लोग जो अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे वो कौन है जो डे टू डे एग्जीक्यूटिव है ये आई टी डिपार्टमेंट का बंदा है वो लोग ही तो मैनेज कर रहे हैं तो ये सब हो गए बंदे पीपल जिन लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और जिन लोग रिस्पॉन्सिबल है पूरे इन्फॉर्मेशन सिस्टम का सीआईए मेंटेन करने के लिए वॉट इज सी आई ए कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ठीक है कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का दो टाइप क्या है मुझे बताओ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ठीक है अब ध्यान से सुनना हार्डवेयर वर्ड का मतलब क्या हो गया फिजिकल कंपोनेंट जो आप देख सकते हो टच कर सकते हो तो आपके सभी के सामने लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो आप मुझे बताओ हार्डवेयर के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है जो आप टच कर सक रहे हो आप बोलोगे मैम माउस है तो कहने से ये माउस जो है ये आप टच कर सक रहे हो

तो हार्डवेयर के अंदर सबसे पहला मैंने क्या बोला इनपुट डिवाइसेज फिर क्या प्रोसेसिंग डिवाइसेज अब इनपुट का फीडिंग आपने कर दिया ठीक है आपने क्या किया क्वेरी जनरेट किया कीबोर्ड को यूज करके अब उसका प्रोसेसिंग कौन करेगा कंप्यूटर का ब्रेन कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है प्रोसेसर होता है सीपीयू होता है मदरबोर्ड होता है विच इज अ स्मॉल यू नो स्मॉल चिप ठीक है एक छोटा सा चिप होता है जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है तो प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया प्रोसेसर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू जिसके हम लोग कॉम्पोनेट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे फिर नेक्स्ट कौन होता है प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है तो कितनी बार ये रिजल्ट कहीं रैम में स्टोर होता है कोई बोलता है ये हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं तो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी फर्दीफ क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फिर ये जितना भी प्रोसेसिंग किया रिजल्ट का उसको स्टोर किया स्टोर करने के बाद आपको डिस्प्ले किया तो आप कहां पर देख रहे हो आप बोलोगे मैम हम अपने मॉनिटर्स में देख रहे हैं तो मॉनिटर इज योर स्क्रीन जहां पे आपको आउटपुट डिवाइसेस दिखाई दे रहा है या फिर आप क्या करते हो मुझे बताओ प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हो तो प्रिंटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज ठीक है प्रिंटर भी क्या जिसके हो गया आउटपुट डिवाइसेज तो ये हो गया चार टाइप का हार्डवेयर जो आप देख सकते हो जो टैंजिबल है आप जो टच कर सकते हो लेकिन सॉफ्टवेयर क्या हो गया सॉफ्टवेयर इज इन टिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन नॉट सी विच इज नॉट टेंजिबल विच नॉट बी टच रादर सॉफ्टवेयर वर्ड का मतलब क्या होता है दे आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज एक्चुअली एनेबलिंग द हार्डवेयर टू परफॉर्म इट्स टास्क कोई भी कंप्यूटर में अगर आप सपोज करो आप क्या किए ना इनपुट डिवाइसेस ले है सीपीयू ले है, लेकिन आपने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं किया तो क्या आपका कंप्यूटर चलेगा कदापि नहीं आपका हार्डवेयर ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो यूजर को हेल्प करता है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में तो आप जब भी क्या करते हो आप अपना कंप्यूटर खोलते हो तो आपको कंप्यूटर का डेस्कटॉप जो होता है स्टार्टिंग में बहुत सुंदर सा दिखाई देता है मेरे को एक बात बताओ आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का कौन सा ओएस का वर्जन आपने रख रखा है बताओ मेरा तो विंडोज टेन है किसी का विंडोज टेन है किसी का एंड्रॉइड है किसी का एप्पल का है आईओ किसी का लिनक्स है किसी का एमएस डॉस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल समझ गए ना ये सब क्या मैंने बोला अलग अलग एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है इट इज प्रोवाइडिंग यूर जी ओ आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रहा है यूजर को ताकि वो हार्डवेयर के संग इंटरेक्ट कर सके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना तो ये जो देखो मैं दिखाती हूँ ये आपको इतना खूबसूरत सा देख रहे हो डिस्प्ले दिख रहा है जब मैं कंप्यूटर खोलती हूँ ना मुझे ऐसे डिस्प्ले दिखता है 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 कैन कैन यू यू सी सी ये 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 सारे मेन्यूज मेन्यूज दिखाई 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 दे 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 रहे हैं ठीक पॉइंटर पॉइंटर रहा तो ये जो है, मेन्यू है, इतना सुंदर सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी वजह से आप देख पा रहे हो ये किसकी वजह से हो रहा है मुझे बताओ ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है मुझे बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है लेकिन मान लो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपको पता है कैसा दिखाई देता अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता ना तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता कंप्यूटर यानी आप जब कंप्यूटर खोलते ना तो ऐसा यूजर इंटरफेस आता अब मुझे आप बताओ क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है कितने जन को आता आता है आता है जावा अब मेरे को बताओ ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है यहां से मुझे आप एक्सेल खोल के दिखाओ आपको एक्सेल का कमांड प्रॉम्प्ट आता है एक्सेल खोलने के लिए क्या कमांड देना पड़ेगा नहीं ना आप तो क्या बोलते हो मैम हम लोग ये सब नहीं सीखे हम लोग तो डायरेक्टली क्या करते हैं ना डायरेक्टली पे क्लिक करते, क्लिक करते करते पॉइंटर बना हुआ रहता है है एक्सेल एक्सेल का फाइल खुल जाता हमें थोड़ी कमांड वमांड देना आता है कंप्यूटर को हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या ई आई एस पर्ड वो कम बात है क्या ये सब तो आप जो बोल रहे हो इंजीनियरिंग में होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में so, सो ऑब्वियस बात है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना तो आपको आपका कंप्यूटर ऐसा दिखाई देगा लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम है ज वाई आपको आपका ऐसा दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यानी आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो ठीक है आप किससे इंटरेक्ट कर पा रहे हो बताओ अपने सिस्टम के संग तो अब मैंने बोला एक्सेल का फाइल खोलना है तो हम लोग यहाँ पॉइंटर के जरिए क्लिक करते हैं एक्सेल का फाइल खुल जाता है सो दिस इज वेरी सिंपल वी कैन ओपन द एक्सेल फाइल लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना तो आप हार्डवेयर के संग क्या इंटरेक्ट कर पाओगे ठीक से कि नहीं कर पाओगे आंसर इज नो आप नहीं कर पाओगे ठीक है सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड कर आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सको फॉर एक बात बताओ आप अपने कंप्यूटर को उन कैसे करते हो आप अपने कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते, मैं यहाँ को option करते हो मैम पे का ऑप्शन होता है हम लोग तो शट डाउन हो जाएगा तो आपको एक बात समझ में आ रहा है हार्डवेयर का पूरा का पूरा फंक्शन डिपेंड हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो अगर आप शटडाउन बटन क्लिक नहीं करोगे और डायरेक्टली पावर बटन ऑफ कर दोगे तो आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा यानी हार्डवेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता बिना सॉफ्टवेयर के तो हार्डवेयर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर मुझे बताओ सॉफ्टवेयर के ऊपर और ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेसिक सॉफ्टवेयर है जो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है हार्डवेयर को चलाने में हेल्प कर रहा है यूजर को ग्राफिकल इंटरफेस दे रहा है जिससे वो कंप्यूटर के संग हार्डवेयर के संग इंटरेक्ट कर सके इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या कर रहा है मल्टीटास्ककिंग करवाने में हेल्प कर रहा है जैसे आप देखते हो अभी मैं यहाँ पे जोडो भी खोल रखी हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी खोल रखी हूं मैं बीच में वीडियो भी आपको दिखा रही हूं सो डोंट यू थिंक मैं मल्टी कर रही हूँ और बीच में मैं आपसे चैट बॉक्स में बातें भी कर रही हूँ तो मैं मल्टी टास्किंग कर रही हूँ मैं अलग अलग क्या कर रही हूँ अलग अलग विंडोज खोल ले रही हूँ बार बार समझ में मैं मल्टीटास्ककिंग कर रही हूँ तो करने में मुझे कौन हेल्प कर रहा है मेरे विंडोज टेन कौन हेल्प कर रहा है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम तो मल्टीटास्किंग करना हो या फिर आप देखते हो जब भी मेरा लैपटॉप क्या होता है बंद होता है जब खुलता है तो लॉक हो जाता है आईडी पासवर्ड मांगता है तो मैंने सेट कर रखा और ये आईडी पासवर्ड रिकॉग्निशन फीचर किसने दे रखा है मेरे लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो ये सिक्योरिटी में भी हेल्प कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर कुछ भी नहीं है इनफैक्ट अब एक चीज समझो ये मीडिया प्लेयर प्लेट ये, ये, चोड़ ये सारे के सारे जो छोटे छोटे आपको फूड मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं फूड मेन्यू ठीक है तो ये क्या है ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अब इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको इंटरफेस दे दिया अब आपको अपने डे टू डे लाइफ में जिस सॉफ्टवेयर के हेल्प से मदद लेकर काम करना है वो वाला सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो जैसे कोई गेमिंग ऐप डाउनलोड करता है क्योंकि वो बंदा खाली गेम खेलता है कोई माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल डाउनलोड करता है कोई वर्ड कोई पावर पॉइंट डाउनलोड करता है कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर डाउनलोड करता है कोई क्रोम डाउनलोड करता है तो इस तरह से आप अलग अलग एप्स को डाउनलोड करते हो ना तो ये जो एप्स को डाउनलोड करते हो इसको क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बेसिकली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा कि नहीं होगा इट विल डिपेंड अपॉन कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कोई भी ऐप डेवलपर है मान लो कोई एक बंदा ने ऐप बनाया तो जो ऐप डेवलपर है वो क्या पूछता है कि आपके डिवाइस का ना सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है हार्डवेयर कॉन्फिग्रेशन राधर की सॉफ्टवेयर कौन सा है आप बोलोगे Android है तो अगर Android है तो मे बी वो ऐप ऐसा है जो खाली Android में ही चलेगा Apple वाले में नहीं चलेगा Apple के ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बहुत सारे जो एप्स बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं ये देखकर कि वो किसके लिए बनाना चाह तो बन रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और ना कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सो दिस इज मेकिंग द हार्डवेयर इंडिपेंडेंटली टू वर्क क्या कर रहा है हार्डवेयर को इंडिपेंडेंटली वर्क करने में हेल्प कर रहा है तो देखो मैंने सॉफ्टवेयर के लिए क्या बोला सॉफ्टवेयर क्या है ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो बताता है हार्डवेयर को क्या करना है क्या नहीं करना है इनटेंजिबल है कैन नॉट बी टच है ना फिर उसके बाद मैंने बोला ये सब कौन बनाता है प्रोग्रामर्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उन लोग बनाते हैं दो टाइप देख रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है क्रिएट्स इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर है ना लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने क्या बोला कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम दैट डू सम यूजफुल प्रोसेसिंग और टास्क फॉर द यूजर एग्जाम्पल देख रहे हो इसका विंडोज सेवन एट टेन लिनक्स यूनिक्स डॉस बेस्ड और इसका एमएस वर्ड एक्सेल सैप मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा

कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा उनमें रन करेगा हार्डवेयर का मैटर नहीं करता फिर मेमोरी मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना हमने अपने ड्राइव 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 को डिवाइड कर डी ई e तो मेमोरी तो मैनेजमेंट में हेल्प करता है प्लस वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करने में हेल्प करता है जैसे मान लो मेरा इंटरनल रैम का मेमोरी कम है दस जीबी है मान लो आठ जीबी है और मेरे को एक मूवी डाउनलोड करना है सोलह जीबी का तो मैंने क्या किया ना अपने हार्ड डिस्क ड्राइव का आठ जीबी को यूज कर लिया और

जब हम लोग जियो सेवन ऐप में म्यूजिक प्ले करते हैं या गाना ऐप में म्यूजिक प्ले करते हैं याद है वहां पे हम लोग एक बटन डालते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट क्रिएट करके छोड़ देते हैं कि अपने आप सॉन्ग्स बजेगा तो ऑल दो मेरे मोबाइल फोन में इतना कैपेसिटी नहीं है बट फिर भी वो सारे सॉन्ग्स को कैसे प्ले करता है बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल मेमोरी विज आर क्रिएटिंग ठीक है फिर टास्क मैनेजमेंट मैंने बोला मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है फिर उसके बाद नेटवर्किंग कैपेबिलिटी जैसे याद है मैंने वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था तो याद है टाइप वन वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही होता है ना फिर उसके, जो मैंने बोला ID, देता है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग तो सिस्टम तो क्या होता है सो आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट हार्डवेयर मैंने ऑलरेडी बढ़ा टेंजिबल पार्ट होता है कंप्यूटर का देखो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है जिससे आप इंटरेक्ट करो एग्जांपल मैंने बोला

पूरा डायग्राम बनाकर आपको दिखाया था प्रोसेसर का आपको याद होगा तो फटाफट फड़ मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिखकर बताओ प्रोसेसर का तीन क्या क्या होता है सबसे ऊपर में कंट्रोल यूनिट होता है बीच में फिर मैंने बोला था एरिथोमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है फिर प्रोसेसर रजिस्टर होता है तो तीन पार्ट क्या क्या होता है मुझे बताओ वट आर थ्री पार्ट कंट्रोल यूनिट ए प्रोसेसर रजिस्टर कंट्रोल यूनिट क्या करता है डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है ठीक है अब मान लो कि बहुत सारा फंक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा कौन सा बाद में होगा किस प्रायोरिटी में काम होगा तो डेटा के फ्लो को कंट्रोल कौन करता है कंट्रोल यूनिट जितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल था ऑपरेशन है चाहे सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो या कोई भी लॉजिकल कंपैरिजन हो इक्वल टू ग्रेटर देन साइन ये सब में कौन हेल्प करता है एएल अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और प्रोसेसर रजिस्टर क्या होता है दे आर वेरी वेरी स्मॉल

तो वापस से मुझे बताओ सीपीयू का तीन पार्ट क्या क्या होता है कंट्रोल यूनिट होता है ALU होता है प्रोसेसर रजिस्टर होता है है ठीक फिर याद है आपको मैंने जब मेन क्लासेस पढ़ाया था ना वहां प्रोसेसर रजिस्टर आपको दिखाया भी था कहाँ पे होता है आप लोग पूरा ए आई पढ़ लेते हो लेकिन प्रैक्टिकलिटी ना समझते हो ना टीचर से पूछते हो तो पूछो उन टीचर से जाकर ठीक है तो अभी आओ ध्यान से मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट देखो कैन यू सी यर क्लियरली देखो यहां पे दिखाई दे रहे हैं ये मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है बट आई होप यू कैन सी दिस देखो यहां पे दिखाई दे रहा है देखो अभी दिखेगा आपको ठीक से कैन यू सी दिस यहाँ पे देखो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लिखा हुआ है 64 तो ये देख ये देख रहे हो जो मैंने बोला थर्टी टू बेड या सिक्स फोर बेड ठीक है ये बड़ा नहीं हो रहा है ध्यान से देखो थर्टी टू बेड सिक्सटी फोर बेड इसी को हम लोग प्रोसेसर रजिस्टर बोलते हैं यही मेरा प्रोसेसर रजिस्टर है ठीक है और ये देख रहे हो इंस्टॉल्ड रैम तो अभी हम लोग जब स्टोरेज डिवाइसेस करेंगे ना स्टोरेज के बारे में रैम और रोम के बारे में तो रैम मेरे कंप्यूटर का रैम कितना इंटरनल मेमोरी एट है ठीक है और ये देख रहे हो सिक्सटी फोर बेट तो सिक्सटी फोर बेट ओ एस क्या है? प्रोसेसर रजिस्टर क्लियर है सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसर रजिस्टर तो प्रोसेसर रजिस्टर क्या होता है बेसिकली ये छोटे छोटे स्मॉल स्पेसेस होते हैं कहाँ पे सीपीयू के अंदर 32 बिट या 64 बिट्स के होते हैं जो फटाफट जो है करेंट डेटा जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका डेटा को लोग स्टोर करके रखता है क्लियर है

और जो प्रोसेसर रजिस्टर है उसके बीच में एक बफर रहता है उस बफर को हम लोग बोलते हैं कैशे मेमोरी उस बफर को क्या बोलते हैं कैशे मेमोरी तो जो करेंटली यूज फाइल है न फ्रिक्वेंटली यूज फाइल जो डेटा बार बार यूज होते हैं उसको कैशे मेमोरी क्या करता है कैप्चर करके अपने अंदर रख लेता है ठीक है और कैशे मेमोरी पे आता है में प्रोसेसर रजिस्टर के जस्ट बाद और राम के जस्ट पहले रैम के जस्ट पहले तो अब सीपीयू को जब डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए अगर कैशे मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है

और जो मेरा परमानेंट होता है वो हो गया रोम जिसको आप लोग चेंज नहीं करते ठीक है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या स्टोर करता है वो डेटा जब आप कंप्यूटर ऑफ करोगे तो रैम का सारा डेटा क्या हो जाता है उड़ जाता है लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम एट जीबी या सोलह जीबी का होता है जैसे आपके कंप्यूटर का कितना जीबी है मुझे बताओगे तो एट जीबी या सोलह जीबी होगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया मेरा इंटरनल मेमोरी कितना था एट जीबी था समझ में आया तो जितना ज्यादा ध्यान से सुनना मेरी बातों को जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो आपको दुकानदार क्या बोलता है रैम का आप पूछते हो मेरे कंप्यूटर का कॉन्फिगरेशन क्या है या आप मोबाइल भी खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो ना कॉन्फिग्रेशन बताओ तो बंदा आपको क्या बोलता है रैम का कॉन्फिग्रेशन इतना है आठ जीबी का रैम है सोलह जीबी का रैम है तो जितना हाई जीबी का रैम होता है ना उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस का कैपेसिटी होगा डिवाइस का तो डिवाइस का कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है मुझे बताओ डिवाइस चाहे वो लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल फोन हो उसका स्पीड उसका प्रोसेसर प्रोसेसर का जो स्पीड है किसके ऊपर डिपेंड करता है रैम के कैपेसिटी के ऊपर जितना हाई जीबी रैम लोगे ना उतना ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होगा समझ में आ रहा है तो रैम का जो स्पीड तो फिर मैं हम लोग एक काम करते हैं ना आप इतना कम जीबी का रैम क्यों लियो खाली आठ जीबी का

कंप्यूटर का सारा का सारा है. है? तो छोटे स्पेस होते हैं लेकिन वो बेसिकली क्या स्टोर करते हैं वो डेटा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते इसको चेंज करवाना है तो यानी कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को डी uh, इंस्टॉल करके दूसरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम री इंस्टॉल करवा रहे हो जिसके लिए आपको मे बी शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हेल्प लेना पड़े तो रोम का जो डेटा है वो परमानेंट है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रन करने में हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन आप खाली यहाँ देख सकते हो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो रोम जो है चीप होता है एज कम्पेयर टू रैम रोम का स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू रैम तो डिफरेंस कितनी बार आता है एग्जाम में रैम और रोम के बीच में रैम वॉलाटाइल रोम नॉन वॉलाटाइल रैम डेटा को यूज करता है जिसका क्या कर रहा है प्रोसेसिंग कर रहा है रोम है? कौन से डेटा को स्टोर करता है रैम का इन्फॉर्मेशन कैन बी रेड एज वेल एज मॉडिफाइड रोम इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी रेड एंड नॉट मॉडिफाइड रैम टेम्पररी मेमोरी है मैंने बोला रोम को परमानेंट मेमोरी बोलते हैं रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है इसकी वजह से नॉन वोलेटाइल मेमोरीफॉर्मेंस रैम का स्पीड हाई होता है इसका जो मेमोरी यूनिट है उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है ये चीप होता है रोम का स्पीड भी स्लो होता है रैम का मेमोरी लार्ज होता है एस कंपेयर टू रोम रोम का मेमोरी स्मॉल होता है थ्रू विद दिस तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी ये इंटरनल मेमोरी होता है इनबिल्ट होता है आपके डिवाइस में अब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका कैशे मेमोरी क्या होता है तो आप समझ लो डायग्राम एक तरफ कौन है मैं दिखाऊं कि आपको डायग्राम बनाकर देखो चलो यहां पे छोटा सा बना रही हूं तो अब ध्यान से देखना एक तरफ मेरा ये क्या हो गया प्रोसेसर रजिस्टर ठीक है ये मेरा क्या हो गया प्रोसेसर रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर है फिर इसके नीचे मेरा क्या आ गया बताओ कैशे मेमोरी इसके नीचे मेरा क्या आ गया बताओ कैशे मेमोरी समझ में आ रहा है स्टोरेज स्ट्रक्चर इज तो ये मेरा क्या हो गया बताओ कैशे मेमोरी सॉरी सुंदर से ही बनाना होगा प्रोसेसर रजिस्टर जो सीपीयू का पार्ट होता है फिर इसके नीचे कौन आ गया मुझे बताओ कैशे मेमोरी फिर इसके नीचे कौन आ गया बताओ प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम फिर इसके नीचे कौन आ गया बताओगे सेकेंडरी मेमोरी सब ये सब मैंने मेन क्लास में पूरा लिखवा लिखवा के आपको डायग्राम बनाया आप चैम्प बन गए होंगे जिन्होंने मेरा मेन क्लासेस किया है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑल सो दिस इज द हायरार्की ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी अब आप खुद सोचो ना अगर सीपीयू काम कर रहा है

सीपीयू एक्सेस कर रहा है डेटा कहां से सेकेंडरी स्टोरेज से जब एक्सेस कर रहा है तो वो कितना दूर है सीपीयू से तो दैट इज सीपीयू का परफॉर्मेंस थोड़ा क्या हो जाता है कम हो जाता है क्लियर है तो ये पूरा मैंने स्टोरेज कैपेसिटी कैपेसिटी समझा दिया प्रोसेसर रजिस्टर एकदम छोटे छोटे स्मॉल बिट्स ऑफ होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं 32 या 64 बिट के होते हैं जो करेंटली ऑपरेशंस होते हैं उनके डेटा को स्टोर करके रखते हैं कैशे मेमोरी किन दोनों के बीच में आता है इट इज एक्टिंग कैसे मेमोरी इज एक्टिंग कहा एज अ बफर बिटवीन वॉट प्रोसेसर रजिस्टर

ठीक है और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि रैम रोम में रहता है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है लेकिन रोम में जो डेटा स्टोर स्टोर करके रखा हुआ रहता है वो सीपीयू का प्रोसेसिंग के लिए नहीं होता रादर वो किसके लिए होता है बताओ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को रन करने के लिए होता है क्लियर है तक कोई डाउट है बताओ इज एनी डाउट पूरा पिक्चर क्लियर है यहाँ तक सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेज ये मेरा क्या हो गया बताओ स्टोरेज डिवाइसेज तो एक बार देख लेते हैं स्टोरेज में तो कैशे मेमोरी के ऊपर ना बहुत बार शॉर्ट नोट आता है

ठीक है किसके बीच में प्रोसेसर रजिस्टर एंड रैम प्राइमरी मेमोरी यानी रैम समझ माया तो कैश मेमोरी का स्पीड बहुत फास्ट होता है समझ मार इट इज एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू सीपीट इट स्टोर द कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेन मेमोरी सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर रैपिडली देन द मेन मेमोरी तो कितनी बार डिफरेंस भी आता है प्रोसेसर रजिस्टर कौन से हो गए जो सीपीयू के अंदर थे छोटे छोटे डेटा को स्टोर करते थर्टी टू या सिक्सटी फोर बिट्स के कैशियर मेमोरी क्या होते हैं फास्ट मेमोरी बिल्ट होते हैं ठीक है फिर उसके बाद प्रोसेसर रजिस्टर को तो एकदम डायरेक्टली सीपीयू ऑपरेट कर सकता है क्योंकि वो उसके अंदर ही है लेकिन कैशे मेमोरी क्या होता है बफर की तरह एक्ट करता है सीपीयू के बीच में और रैम के बीच में इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर ऑपरेशन क्लियर सेकेंडरी स्टोरेज नॉन रैम का मेमोरी वोलाटाइल है बट सेकेंडरी स्टोरेज में मान लो आपने मूवी डाउनलोड किया तो ऐसा थोड़ी हार्ड डिस्क ड्राइव से उड़ जाता है जब तक आप नहीं रिमूव करोगे अपने आप थोड़ी उड़ेगा और ये बड़े बड़े साइज में अवेलेबल होते हैं हम लोग बड़े बड़े कैपेसिटी का एस एस डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव ये सब खरीद कर रखते हैं लेकिन जो उसका स्पीड है वो क्या होता है लो होता है टू प्राइमरी मेमोरी या प्रोसेसर रजिस्टर या कैशे मेमोरी एग्जाम्पल हार्ड डिस्क पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड एटसेट्रा ठीक है तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या हो गया प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसर यानी सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू ठीक है फिर उसके बाद प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है ना इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है वो कॉपी हो जाता है मेन मेमोरी में लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में कहा रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी जनरली रैम जो होता है वोलाटाइल होता है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी वॉलाटाइल नहीं होता प्राइमरी मेमोरी क्या चीज से बना होता है सेमी कंडक्टर से मेमोरी क्या चीज से बना होता है मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मटेरियल से ठीक है एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड मैंने ऑलरेडी आपको बोला कम होता है प्राइमरी <laughs> मेमोरी को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो डेटा बस के जरिए सेकेंडरी मेमोरी को कैसे एक्सेस कर सकते हो इनपुट आउटपुट चैनल से ठीक है प्राइमरी मेमोरी का कैपेसिटी मैंने बोला स्मॉल होता है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का कैपेसिटी क्या होता है लार्ज होता है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम कॉस्टली होता है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है चीप होता है क्लियर है यहां तक प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं रोहित बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है ई आई एस सब्जेक्ट में आप लोग बताओ ना डेली ये सब यूज करते हो डिड यू एवर थॉट अबाउट इट कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं हमें यही नहीं पता रैम क्या होता है कॉन्फिग्रेशन क्या होता है तो आपको एक क्या बोलेगा आदमी डम बोलेगा ना कोई पूछ लिया कि ये सभी आपको नहीं पता तो आपको प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया से यू नो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट डाला और बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है ऑल राइट तो देखो यही मैंने आपको समझाया था अपने डायग्राम में भी प्रोसेसर रजिस्टर फिर कैशे मेमोरी ये दोनों के बीच में होता है फिर प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी ओके नाउ लास्ट क्या बच्चा बताओ आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेज क्या होता है जिससे आप आउटपुट को देख सकते हो ठीक है यानी मॉनिटर्स मैंने बोला प्रिंटर्स बोला सो बी केयरफुल स्कैनर इनपुट डिवाइस है लेकिन प्रिंटर क्या है बताओ आउटपुट डिवाइस ठीक है प्रिंटर क्या है मुझे बताओ आउटपुट डिवाइस एलसीडी मॉनिटर्स हुए सीआरटी मॉनिटर्स हुए अब आपको पता है आउटपुट डिवाइसेस ना अलग अलग टाइप का होता है आउटपुट डिवाइसेस आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ठीक है क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है बताओ जैसे सपोज करो अभी आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है तो टेस्चुअल आउटपुट जब ग्राफ्स एंड ऑल दिखाई दे रहा है तो ग्राफिकल आउटपुट या फिर ब्लाइंड लोगों के लिए भी अलग से आउटपुट निकल कर आता है उसको बोलते हैं टेक्सटाइल आउटपुट यू नो बाई देर साइन लैंग्वेज आई कैन अंडरस्टैंड की आउटपुट क्या है तो आउटपुट कैन भी टाइप्स टेक्चुअल आउटपुट और कितनी बार ना विजुअल आउटपुट भी होता है और कितनी बार ऑडियो विजुअल आउटपुट भी होता है ठीक है जैसे आप मूवी देखते हो अभी रिसेंटली मैं आर आर मूवी देखा होगा ट्रिपल आर तो वो क्या हो गया ऑडियो विजुअल आउटपुट जहाँ सुनाई भी दे रहा है दिखाई भी दे रहा है तो अलग अलग टाइप के आउटपुट होते हैं क्या क्या टेक्सचुअल आउटपुट जहां वर्ड सेंटेंसेस पैराग्राफ दिखाई देते हैं टेक्सटाइल आउटपुट जहां पे मैंने बोला ब्लाइंड लोगों का बात किया ग्राफिकल आउटपुट चार्ट फोटोग्राफ्स एनिमेशन ऑडियो आउटपुट बोला म्यूजिक स्पीच ठीक है वीडियो आउटपुट इमेजेस एंड ऑल कंसिस्ट ऑफ करता है क्लियर है यहां तक कोई डाउट है ऑल राइट पारूल केमिस्ट्री बिल्कुल था बेसिक लेवल ऑफ केमिस्ट्री आप पढ़ते हो अपने स्कूल डेज में ठीक है तो बे 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 फिजूल का बात यहाँ पे मत किया करो अगर आपको नहीं करना है क्लास यू आर ऑलवेज फ्री टू एग्जिट फ्रॉम हियर बट डोंट यू नो डी मोटिवेट अदर्स हु आर एक्चुअली सिटिंग एंड डूइंग द क्लासेस एट 10 पीएम 10:30 पीएम ऑलराइट तो बेफिजूल बात का तर्क यहां पे करने के लिए हमारे पास समय वेस्ट uh, करने के लिए इतना टाइम नहीं है एक घंटे के सेशन में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके तो आप शायद स्कूल नहीं गए हो इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो क्योंकि स्कूल में बेसिक बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ाया जाता है चलो टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस जो कि मैंने अभी बोला क्या क्या है बताओ स्पीकर हेडफोन्स प्रिंटर ठीक है तो देख रहे हो ये सब अलग अलग टाइप के आउटपुट डिवाइसेस है ऑलराइट राइट दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस तो ये होते, जो करते है मेरे को करने में। और सॉफ्टवेयर का दो टाइप क्या क्या, -क्या, -क्या बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना फिर उसके बाद बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये हेल्प करता है किसको यूजर को कि वो इंटरेक्ट कर सके अपने हार्डवेयर के संग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है keys, pointers, ये सब रहते हैं समझ में आया

यू नो एंड्रॉइड एप्पल आईओ एस एक्सेट्रा तो ये देख रहे हो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है तो ऑलरेडी हमने इसका फंक्शन भी डिस्कस किया क्लियर परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन यूजर इंटरफेस हार्डवेयर इंडिपेंडेंस मेमोरी मैनेजमेंट टास्क मैनेजमेंट नेटवर्क केपेबिलिटी लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी फाइल मैनेजमेंट तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ना फंक्शंस बताओ सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल राइट तो आपको हेडिंग लिखना है और अंदर का एक दो पॉइंट मन से लिख कर आना है अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मैं बात करूं तो आपको मैंने दिखाया था डेस्कटॉप में जो बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन डाउनलोडेड थे वही सब के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम है जो मेरे को हेल्प करे मेरे डे डे टू टास्क को परफॉर्म करने में ठीक है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम है जो मेरे को टास्क का प्रोसेसिंग करने में हेल्प कर रहा है है ना तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी रन होगा जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर ओएस एस नहीं लगाया ना तो हार्डवेयर भी नहीं फंक्शन करेगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी फंक्शन नहीं करेगा क्लियर है अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो देखो हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम एक कॉम्पोनेंट पढ़ा पीपल कॉम्पोनेंट पढ़ लिया तीसरा कॉम्पोनेट वहां पे क्या था डेटा रिसोर्सेज सो द थर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ इज डेटा तो वॉट इज डेटा डेटा शब्द का मतलब क्या होता है डेटा छोटे छोटे रॉ बिट्स पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिसका कोई कॉन्टेक्चुअल या यू नो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वो कन्वे नहीं करता बिकॉज दे आर द रॉ बिट्स पीसेज ऑफ डेटा विच इज नॉट अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर लेकिन जब यही डेटा को रॉ बिट्स पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप अरेंज करते हो प्रॉपर मैनर में तो वो डेटा बन जाता है फॉर मैंने मैंने बोला ठीक है है मेरे जो घर का एड्रेस सपोज करो वो मैंने आपको बताया माई होम्स एड्रेस इज ठीक है 141 विकेपल एवेन्यू कोलकाता फाइव तो ये मैंने आपको फुल एड्रेस बताया लेकिन सपोज करो मैंने कुछ ऐसा बोला वन फोर्टी फाइव सिक्स कोलकाता तो ऐसे रॉ बिट्स इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूंगी जो कि क्वांटिटेटिव भी हो सकता है क्वालिटेटिव भी हो सकता है लेकिन आपको इसका कोई यू नो रेलिवेंस नहीं समझ में आएगा बट इस डेटा को अगर मैं प्रॉपरली अरेंज करके आपको बताऊंगी तो उसको क्या बोलते हैं डेटाबेस 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 क्या हो गया सेट ऑफ ऑफ लॉजिकली कलेक्शन डेटा एंड इज टू एज तो ये हम लोग डायरेक्टली अपने नोट से पढ़ेंगे जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 47 सेवन एम रोड ये सब क्या हो गए रॉ बिट्स पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका कोई कॉन्टेक्चुअल रेलिवेंस नहीं है तो इसको हम लोग डेटा बोलते हैं अब मैंने बोला डेटा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है क्वालिटेटिव भी हो सकता है डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है लेकिन डेटाबेस का मतलब क्या हो गया सेट ऑफ लॉजिकली इंटररिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस नाउ डेटाबेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स ठीक है ऑपरेशनल एंड नॉन ऑपरेशनल नाउ व्हाट इज ऑपरेशनल डेटाबेस जिसमें आप करंटली काम कर रहे हो मान लो आप एक्सेल में कोई कंप्यूटेशन कर रहे हो ठीक है या कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो आप करेंटली उसमें ऑपरेट कर रहे हो ना तो होगी ऑपरेशनल डेटाबेस लेकिन मान लो मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो मैं आपको बहुत सारे डेटाबेस दिखाती हूँ रिसर्च का मेरा मेरा याद है बिग फोर का डेटाबेस आपको दिखाया था पूरा ट्रांसपोर्ट का एक मैंने जिसको ऑडिट किया था वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का मैंने आपको डेटाबेस दिखाया तो वो मैं क्यों रख रखी हूँ मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको पढ़ाने के लिए मैं उसमें कोई काम नहीं कर रही हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ नॉन ऑपरेशनल डेटाबेस जो एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क के लिए होता है तो डेटाबेस क्या होता है इज इट क्लियर यू ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे डीबीएमएस क्या होता है अब ध्यान से सुनना इस चैप्टर में अमेंडमेंट क्या है डीबीएमएस पहले भी था अभी भी है हटाया नहीं है बस खाली उसके पोजीशन को चेंज कर दिया है जैसे अभी हम लोग पहले डीबीएमएस ना कॉम्पोनेट्स में ही पढ़ लिया करते थे लेकिन अभी जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूटेड मैट आया है ना डीबीएमएस के बारे में सब कुछ लिखा है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करके उसको एंड में डाल दिया तो इसका ये मतलब है डीबीएमएस डिलीट हो गया बिल्कुल नहीं डीबीएमएस है अभी भी लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने मैट से खाली पोजिशन का हेरा फेरी कर दिया अभी भी वो है तो व्हाट इज डीबीएमएस अब ध्यान से सुनना डीबीएमएस इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज हेल्पिंग यू टू ऑर्गेनाइज यू एंड ट ये बेटर मैनर विच विल्लीकेशन प्रोग्राम फॉर टैली क्या कर रहा है, से आप कर रहा ठीक है? तो एम आई एस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए टैली को क्या चाहिए डेटा चाहिए ना तो वो डेटा प्रोपरली अरेजल फॉर्मेट में या फिर लॉजिकल फॉर्मेट में तो ये कौन हेल्प करे अरेज करने के लिए डेटा तो क्या है बड़े बड़े डेटा बेस सर्वर में स्टोर है अब इसको खूबसूरती से फॉर्मेट्स बनाकर चार्ट बनाकर अरेंज करके लॉजिकली हाईराइट बनाकर कौन अरेंज कर रहा है डेटा को डीबीएमएस सॉफ्टवेयर सो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हेल्प करता है डेटा को प्रॉपरली अरेंज करने में सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इनफैक्ट ये हमें हेल्प करता है अपने डेटा को मैनेज करने में कंट्रोल करने में न्यू फाइल्स को अगर ऐड करना है उसको एड करने में हेल्प करता है पुराने फाइल को डिलीट करना है या कोई इंसर्ट करना है डेटा मैनिपुलेशन में हेल्प करता है डेटा क्वेरिंग में हेल्प करता है एक्सेस कंट्रोल में हेल्प करता है

डीबीएमएस ध्यान से सुनना डीबीएमएस मॉडल कितने हैं ठीक है प्रज्ञा डोंट वरी मैं कल रिस्क और कंट्रोल पढ़ाऊंगी यू डोंट अबाउट इट ओके सब कुछ याद हो जाएगा अब मॉडल क्या है मैंने बोला ये लॉजिकल स्ट्रक्चर बता रहा है डेटाबेस का कि कैसे हम लोग उसको अरेंज करें तो ये जो डेटाबेस मॉडल है ना ये चार टाइप के होते हैं डीबीएमएस मॉडल आर ऑफ फोर टाइप्स तो मान लो शॉर्ट नोट आएगा ना डीबीएमएस के ऊपर तो ये चारों मॉडल का नाम भी लिख देना ये चार मॉडल क्या क्या होते हैं हरार मॉडल नेटवर्क मॉडल रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल ठीक है तो अब एक एक करके डिस्कस करेंगे हायरार्की मॉडल क्या होता है डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है बट बिफोर डूइंग दैट ये सारे टर्म्स का मतलब देख लेते आ जाओ डेटाबेस का मतलब क्या हुआ ध्यान से सुनना डेटाबेस इज योर कलेक्शन ऑफ टेबल ठीक है जैसे मान लो सपोज मैं दिखा रही हूं आपको ध्यान से देखो कैन यू सी ऊपर डेटा बेस लिखा हुआ है कॉपी ऑफ ट्रांसपोर्ट अब इसमें देख रहे हो कितने सारे टेबल है शीट थ्री नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी क्या हो गए ये जो एक शीट मैंने खोला है एक शीट यानी एक टेबल बना हुआ है इस तरह से बहुत सारे टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं शीट टू शीट वन तो ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स जो हुए ना या कलेक्शन ऑफ शीट आप बोल लो इसको हम लोग क्या बोलते बताओ डेटाबेस इसको हम लोग क्या बोलते बताओ डेटाबेस सो आई होप इज क्लियर है कलेक्शन ऑफ टेबल्स ठीक है नो टेबल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड अब रिकॉर्ड क्या होता है ध्यान ध्यान से से सुनो इज रिकॉर्ड सुनना अब जैसे आप ये देख रहे हो ये रिकॉर्ड वन हो गया ये रिकॉर्ड टू हो गया ये रिकॉर्ड थ्री हो गया ये रिकॉर्ड फोर हो गया तो ये सारे रिकॉर्ड एक संग हम बनाएंगे तो एक टेबल मेरा बनेगा ना जैसे देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ये रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड वन है ना ये रिकॉर्ड वन में क्या सीएन नंबर लिखा हुआ है उसका डेट लिखा हुआ है कंसाइनी का नाम बिलिंग पार्टी स्टेशन अमाउंट बिल नंबर बिल डेट सब कुछ लिखा हुआ है ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है ना समझ में आए रिकॉर्ड वन रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड थ्री तो इस तरह से क्या है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आप क्या देख रहे हो रिकॉर्ड देख रहे हो ना तो ये सारे रिकॉर्ड जुड़कर क्या बनते हैं एक टेबल और ये सारे मल्टीपल टेबल जुड़कर क्या बनते हैं डेटा बेस इज इट क्लियर विथ यू तो आपको समझ में है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं टेबल और कलेक्शन ऑफ टेबल को क्या बोलते हैं डेटा बेस ना वट इज अ रिकॉर्ड अब जैसे रिकॉर्ड वन मैंने आपको दिखाया रिकॉर्ड वन में क्या है सी एन नंबर है सी एन डेट है कंसाइनी तो ये अलग अलग फील्ड हो गए ना ये अलग अलग फील्ड हो, हो गए ना कंसाइनमेंट नंबर कंसाइनमेंट डेट कंसाइनी तो ये सारे फील्ड के कलेक्शन एक रिकॉर्ड बना रहे कि नहीं तो दैट इज इज आई सेट कलेक्शन ऑफ फील्ड कॉल्ड एज रिकॉर्ड और एक फील्ड क्या है फील्ड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है थे? एक फील्ड का नेम है ना कंसाइनमेंट नेम कंसाइनी नेम बिलिंग पार्टी सो दिस इज वॉट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर और कैरेक्टर का मतलब अभी हमने पढ़ा दे आर वॉट बिट्स एंड पीसेज ऑफ डेटा बिट्स एंड पीसेज ऑफ डेटा तो इतना प्रैक्टिकली ई आई एस मेरे को तो नहीं लगता आपको आज तक कोई पढ़ाया होगा सो स्प्रेड द न्यूज एवरीवेयर एंड एंड मेक द वीडियो वायरल प्रूव इज नॉट डिफिकल्ट इट्स कॉन्सेप्चुअल सो यू शुड नो अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ द सब्जेक्ट ठीक है फिर उसके बाद लर्न अपने आप हो जाएगा अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे तो डेटा क्या हो गया टेबल का कलेक्शन टेबल क्या हो गया रिकॉर्ड का कलेक्शन रिकॉर्ड क्या हो गया फील्ड का कलेक्शन फील्ड क्या हो गया एक एक कैरेक्टर्स एक एक एट्रीब्यूट का नाम जो आपने लिखा

उल्टे ट्री में क्या होगा ऊपर में एक सेंट्रलाइज रूट होगा जिसके अंदर से बहुत सारे निकलेंगे. So, child, क्या, आपके दो -दो हो सकते? नहीं लेकिन आपके मम्मी पापा के दो दो बच्चे हो सकते हैं तो एक पेरेंट है जो कंट्रोल है पेरेंट को रूट बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है सो दिस इज बेस्ड ऑन वॉट वन टू मेनी रिलेशनशिप वन टू मेनी रिलेशनशिप में बेस्ड है या वन टू वन में भी बेस्ड है

कितने बिल्डिंग है कितने रूम है रूम में कितने इक्विपमेंट रखे हुए हैं और वो इक्विपमेंट का रिपेयर का वर्कशॉप कहाँ कहाँ जाता है तो देखो मैंने क्या किया एक कॉमन ये सारे जो इक्विपमेंट है ना उसको एक ही बिल्डिंग में रखा है तो बिल्डिंग मेरा कौन हो गया पेरेंट रूट हो गया अब बिल्डिंग के अंदर दो रूम है रूम वन रूम टू तो यानी वन पेरेंट कैन चाइल्ड अब रूम वन के अंदर इक्विपमेंट वन इक्विपमेंट टू का ट्रीटमेंट हो रहा है रूम टू में इक्विपमेंट थ्री रखा हुआ है इक्विपमेंट वन जो है रिपेयर वन शॉप और रिपेयर टू शॉप में ठीक होने जाता है और इक्विपमेंट थ्री रिपेयर थ्री शॉप में ठीक होने जाता है इस तरह से हमने क्या किया कितना सुंदर वे से, वे से हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया ना अब मान लो मुझे ये देखना है कि इक्विपमेंट टू जो है ना उसका रिपेयर कहाँ हो रहा है तो सीधा मैं क्या करूंगी बिल्डिंग में जाऊंगी रूम वन में जाऊंगी इक्विपमेंट टू मुझे खुद दिख जाएगा

यहां पे मेनी टू वन है और यहाँ मेनी टू मेनी है सो ऑल रिलेशनशिप आर पॉसिबल हियर सो जस्ट गिव द डायग्राम एंड राइट डाउन ऑल द रिलेशनशिप आर पॉसिबल तो यहाँ पे क्या होता है ना नेटवर्क मॉडल में क्या होता है द नेटवर्क मॉडल कैन रिप्रेजेंट डेटा रिटेंडेंसी मोर एफिशिएंटली देन हायरार्की मॉडल हायरार्की मॉडल में ना डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हम लोग उतना ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या जो डेटा यूज नहीं हो रहा है उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन नेटवर्क मॉडल में नेटवर्क मॉडल क्यों सुपीरियर हायर के मॉडल से एग्जाम में ही आता है तो क्या बोलोगे क्योंकि डेटा को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और यहाँ मल्टीपल आर ब्रांचेसिंग फ्रॉम वन और मोर नोट यहाँ पे एक नोड नहीं है बहुत सारे नोट है बहुत सारे रूट है ठीक है रिलेशनल डेटाबेस का बेस्ट एग्जाम्पल एक्सेल का फाइल जहां मैंने आपको पीवर्ड टेबल यूज करना सिखाया था और मैंने आपको वी लुकअप का फॉर्मूला सिखाया था कि कैसे हम लोग प्राइमरी की के जरिए प्राइमरी की चाहिए रहता है फॉरेन की क्रिएट करते हैं ठीक है प्राइमरी की क्रिएट करते हैं और फिर उसे फॉरेन की की हेल्प से हम लोग दूसरे आ, दो फील्ड के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं सो दिस इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्रीवॉट टेबल और वी लुकअप फॉर्मूला है ठीक है तो फॉर ईच टेबल हम लोग प्राइमरी की आइडेंटिफाई करते हैं फिर प्राइमरी की की ऑफ वन टेबल इन टेबल इज इन टू एक्सेस दी इट्स फॉरेन तो इसका पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकली वी लुकअप का फॉर्मूला भी अप्लाई करके दिखाया था तो वो सब अभी पॉसिबल नहीं है करना तो स्किप कर रही हो ठीक है तो रिलेशनल डेटाबेस में आपको पूरा एक्सेल के बारे में लिख कर आना है फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल इसका बेस्ट एग्जाम्पल बोला था ओला एंड उबर जिन लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डेटा होते हैं ना जिसके जैसे मान लो डेटा में टेक्स्ट है इमेजेस है ऑडियो क्लिप्स है तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है ना तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे तो जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं ना जितने भी क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा उसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट

एडवांटेजेस का एडवांटेज क्या कि हम लोग डेटा शेयरिंग कर सकते हैं डेटा सिक्योरिटी हो सकता है ठीक है एक बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ के advantage के देख लो रिलेशनल ये देखो ये वाला डायग्राम ये टेबल दिखाई दे रहा है यहां से हमने क्या किया ये दोनों टेबल को यूज करके एक तीसरा टेबल क्रिएट किया जहां पे हमने क्या कि किया एक्टिविटी कोड और डेट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया एक्टिविटी कोड को प्राइमरी का ही कंसिडर किया तो इस टेबल के एक्टिविटी कोड को यूज करके इसका डेट एक्सेस करके एक दूसरा टेबल क्रिएट कर दिया और रूट नंबर क्रिएट कर दिया समझ में तो ये प्राइमरी की हो गया ये फॉरेन की हो गया क्लियर है देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल हाँ एडवांटेजेस का बात करे तो ये एडवांटेजेस डेटा शेयरिंग हो सकता है डेटा का डुप्लीकेशन डेटा रिडेंडेंसी को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं डेटा का सिक्योरिटी मेंटेन हो सकता है इंटीग्रिटी मेंटेन हो सकता है यूजर फ्रेंडली है सिक्योरिटी अच्छा होगा प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी हो सकता है ठीक है और फिर उसके बाद डीबीएमएस किसको डेटा प्रोवाइड कर रहा है ऐप को रन करने के लिए तो अगर डीबीएमएस अच्छी तरीके से डेटा को अरेंज करके रखेगा तो उतना जल्दी मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा क्वेरीज को प्रोसेसिंग फटाफट करेगा क्वेरीज का सिस्टम का परफॉर्मेंस हाई होगा लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है इसका ड्रॉबैक यही है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है ठीक है सॉफ्टवेयर खरीदना कोई आसान नहीं है इट्स कॉस्टली स्पेशली फॉर बिग ई कॉमर्स कंपनी देयर ओन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर उनके लिए ये सब जो ओपन फ्री डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है उससे काम नहीं चलेगा और मोर ओवर दे नॉट इवन रिलाई ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल उनको कुछ अलग से बिग डेटा मैनेजमेंट के लिए अलग ही डीबीएमएस सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और फिर यहाँ पे

विजिट फ्लिपकार्ट का शॉपिंग वेबसाइट एंड दे आर गोइंग टू परचेज तो कितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे कितने सारे डिटेल्स जनरेट हो रहे तो इतने सारे बड़े डेटा को कैसे मैनेज करेगा फ्लिपकार्ट कंपनी तो इसी मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं बिग मैनेजमेंट ठीक है तो इसके लिए मैंने बोला जो आप बोल रहे हो ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल वो भी फेल हो जाएगा उनको अपना ही कुछ सॉफ्टवेयर को डिवाइस करवाना पड़ेगा ठीक है दे हैव टू यूज यू नो बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स एक्सेट्रा तो बेसिकली ये बिग डेटा मैनेजमेंट क्या चीज में हेल्प कर रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है एबिलिटी टू प्रोसेस द बिग डेटा एंड मल्टीपल बेनिफिट इससे क्या हो रहा है बिजनेस बाहर की इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है सोशल डेटा को एक्सेस कर पा रहा है कोई risk है है ठीक कोई रिस्क तो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ेगा कस्टमर सर्विस बढ़ेगा अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है वॉट डेटा वेयर हाउस मीन ध्यान से सुनना दिस द लास्ट टॉपिक दैट वी टू डू डेटा वेयर हाउस क्या हो गया एक ऐसा रिपोजिटरी जहाँ कंपनी के बड़े बड़े लार्ज चम्स ऑफ डेटा स्टोर हो रहे हैं उसको हम लोग डेटा वेयर हाउस बोलते हैं फॉर एक्साम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर मैं बात करूं इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फिर उसके बाद रिलायंस का और क्या बताओ टेलीकॉम डिविजन है तो अलग अलग डिविजन है सारे डिविजन जो है अपने छोटे छोटे डेटा सर्वर को करके रखे अब मुकेश अंबानी को ओवरऑल रिलायंस अ कंपनी का भी तो प्रॉफिट देखना पड़ता होगा तो वो क्या करता होगा सारे डेटा को एक जगह अरेंज करता होगा तो मैंने बोला अलग अलग जो डिविजन है छोटे छोटे डेटा को एक जगह हमने निकाल कर एक बड़े डेटा 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 वेयर 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 हाउस 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 में में ट्रांसफर ट्रांसफर कर दिया तो तो ये जो ब, बड़े में किया इसी को तो बोल रहे हैं तो हमने कैसे ट्रांसफर किया सबसे पहले हमने क्या किया अलग अलग जो डेटा मेंटेन कर रहे थे अलग अलग डिविजन वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया फिर उनको ट्रांसफॉर्म किया इन वन कॉमन लैंग्वेज स्टैंडराइज़ किया, फिल्टरिंग किया, किया और फिर लोडिंग कर दिया डेटा वेयर हाउस में सो एल एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग इसको हम लोग क्या बोलते बताओ ETL, ठीक है? ETL, और मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार हाउ वी डू दिस प्रोसेस जैसे मैंने भी आपको बताया ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका अलग अलग डिविजन है ना मान लो ये रिलायंस का रिटेल डिविजन है तो रिटेल डिवीजन क्या कर रहा है ओलैप सॉफ्टवेयर में अपना काम करता है ठीक है फिर मान लो रिलायंस को और कौन सा डिवीजन है पेट्रोकेमिकल पेट्रोकेमिकल डिवीजन कैसे काम कर रहा है ईआरपी सॉफ्टवेयर में अपना काम कर रहा है फिर मान लो रिलायंस को और डिवीजन बताओ कौन सा है <coughs> टेलीकॉम ये अपना काम किस में कर रहा है टैली सॉफ्टवेयर में कर रहा है फिर मान लो और एक रिलायंस का डिवीजन है कौन सा डिवीजन है कोई और, और एक डिवीजन का नाम बताओ टेक्सटाइल <laughs> ये मान लो कर रहा है सैप सॉफ्टवेयर में तो आप देख रहे हो रिलायंस का जो अलग अलग डिवीजन है अलग अलग सॉफ्टवेयर में अपना डेटा को मेंटेन कर रहा है अब रिलायंस एज अ होल कितना प्रॉफिट कमा रहा है साल का वो मुकेश अंबानी को चेक करना है तो अब वो क्या करेगा यहाँ पे अलग अलग डिविजन से डेटा को निकालेगा सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन अब मैंने बोला यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है सबका डेटा का फॉर्मेट अलग अलग है कोई ओलैप सॉफ्टवेयर में डेटा मेंटेन कर रहा है कोई ईआरपी में मेंटेन कर रहा है कोई टैली में मेंटेन कर रहा है कोई सैप में मेंटेन कर रहा है तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डेटा नहीं होगा ना सारे सॉफ्टवेयर का डेटा फॉर्मेट अलग अलग होता है तो ये एक्सट्रैक्शन करने के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक स्टैंडरडाइज फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा और फिर यहाँ पे क्या है बड़े बड़े लार्ज हमने क्या ले रखे वेयर वेयरहाउसेज ले रखे अब फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे लोडिंग कर देंगे

नहीं तो फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग लेना होगा तो आप तो खोजते ही रह जाओगे कि कौन सा डेटा कौन से साल का है तो टाइम लॉक टाइम स्टैंपिंग इज वेरी एंड फिर लास्ट में मैंने क्या बोला आप जो भी फॉर्मेट लेकर आ रहे हो इट शुड बी भी यूनानिमसटेंट फॉर्मेट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मान लो डेट का फॉर्मेट ना जो रिटेल वाला डिविजन है वो कैसे फॉलो करता है डे मंथ ईयर लेकिन जो रिलायंस का टेलीकॉम सेक्टर है वो डेट का फॉर्मेट ईयर मंथ डे मेंटेन करता है अब डेटा वेयर हाउस में सारे डेटा मिक्स हो गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि एक्चुअल में डेट कौन सा है सो दैट इज वाई एक सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस कैन कम की डेटा वेयर हाउस का क्राइटेरिया so क्या वट इज द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड डेटा वेयर हाउस इट वर्क ऑन नॉन ऑपरेशनल डेटा टाइम स्टैंपिंग शुड भी देर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन शुड भी डन इन फॉर्मेट तो देख रहे हो ये डेटा वेयर हाउस हो गया यहाँ पे लार्ज चंक्स ऑफ डेटा स्टोर्ड है अब पूरे रिलायंस कंपनी का डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है बड़े डेटा वेयर हाउस में अब मान लो मेरे को ना अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डेटा चाहिए कि पूरा सेल्स डिपार्टमेंट का कौन सा डेटा है पूरा परचेस डिपार्टमेंट का क्या डेटा है या फिर पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट का क्या डेटा है तो मैंने बड़े डेटा वेयर हाउस से छोटे छोटे डेटा मार्ट्स क्रिएट करना चालू किया डिविजनल डेटाबेस निकालना चालू किया बड़े डेटा वेयर हाउस से डिविजन्स करके तो इसको बोलते हैं डेटा मार्ट तो जब मैं एक बड़े डेटा वेयर हाउस से छोटे छोटे फंक्शनल डिपार्टमेंट के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूं डेटा मार्ट्स क्रिएट कर रही हूं तो यानी डेटा वेयर हाउस टॉप हो गया और छोटे छोटे डेटा मार्ट क्रिएट करना क्या हो गया बॉटम तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉप बॉटम अप्रोच इसको क्या बोलते हैं टॉप से बॉटम अप्रोच लेकिन वही जब मैं डेटा मार्ट को एड करके एक बड़ा डेटा वेयर हाउस क्रिएट करती हूं तो ये हो जाता है बॉटम अप अप्रोच तो आप कैसे भी कर सकते हो या तो अगर आपका कंपनी डेटा वेयर हाउस मेंटेन कर रहा है और वो डिविजनल डेटा बेस निकालना चाहता है तो बड़े डेटा वेयर हाउस को छोटे छोटे डेटा मार्ट्स में क्रिएट कर सकता है या फिर सारे डेटा मार्ट्स को जोड़कर एक बड़ा डेटा वेयर हाउस क्रिएट कर सकता है तो डेटा वे डेटा वेयर हाउस से मार्ट्स में क्रिएशन किया तो क्या किया टॉप से बॉटम और डेटा मार्ट्स को जोड़कर डेटा वेयर हाउस क्रिएट किया तो क्या किया बॉटम से अप अप्रोच क्लियर है यहां तक ठीक है तो देखो बॉटम अप अप्रोच क्या हो गया क्रिएटिंग स्मॉल डेटा वेयर हाउसेस डेटा मार्ट्स टॉप डाउन अप्रोच क्या हो गया समझ में आम इसको हम लोग टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं क्लियर है तो अब डेटा वेयर हाउस का फायदा क्या है डेटा वेयर हाउस का बोल रहे हैं फायदा क्या है डेटा वेयर हाउस रहेगा तो एक जगह सारे डेटा आ गए तो एक सेंट्रलाइज व्यू रहेगा ना कि कंपनी क्या कर रहा है आपको एक वन वर्जन ऑफ द ट्रूथ मिलेगा हो सकता है रिलायंस का रिटेल डिविजन प्रॉफिट में लेकिन टेलीकॉम सेक्टर लॉस में तो ओवरऑल रिलायंस लॉस में कि प्रॉफिट में है वो पता चलेगा ना वन वर्जन ऑफ द ट्रूथ सेंट्रलाइज व्यू होगा सारे डेटा का मान लो आपका रिलायंस का टोटल मिलाकर एक करोड़ एम्प्लॉई है समझ मारा है एक करोड़ कुछ ज्यादा हो गया क्या मान लो बीस लाख इंप्लॉई है तो आपको पता चलेगा ना ऑल दो अलग अलग डिविजन में स्कैटर्ड है तो ओवरऑल कितने एम्प्लॉय हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ये पता चलेगा ना ठीक है और फिर ये भी पता चलेगा कि डेटा वेराउस में कौन से डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और कौन से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है तो ये सब फायदा हो रहा है फिर उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल डेटा का स्नैपशॉट लेकर डेटा माइनिंग कर सकते हैं अननोन ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं डेटा एनालिसिस कर सकते हैं तो ये सब फायदा होता है हमारा

तो मैंने देखा जब बारिश होता है ना तब चाय पत्ती का सेल बढ़ जाता है तो इससे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जनरली लोग चायप चाय कब ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं किस सीजन में मॉनसून सीजन में तो मैंने अपने सेल्स को और बढ़ाने के लिए मॉनसून सीजन में अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स एंड ऑल देना चालू कर दिया ठीक है तो ये क्या हो गया डेटा माइनिंग मैंने अपने डेटा वेयर हाउस के दो वेरिएबल को निकालकर कुछ अननोन ट्रेंड और पैटर्न आइडेंटिफाई किया जिससे मेरे कंपनी को इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होगा आगे जाकर तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग ठीक है डेटा माइनिंग के लिए अलग अलग हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह जैसे मिल का आपके बुक में डिमांड बढ़ता है पॉपुलेशन के डिमांड बार, के, तो तो के, के बारे में कस्टमर के डिमांड के बारे में डिसीजन ले सकते हो तो डेटा माइनिंग होता क्या है डेटा माइनिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ जैसे माइनिंग मतलब क्या हु माइनर्स जिन लोग क्या करे कोयले की खदान से हीरा ढूंढ कर निकाल रहे हैं ना कोयले में से ही तो हीरा निकलता है तो यानी उसके लिए बहुत मेहनत करते हो तो बेसिकली आप सबसे पहले क्या करते हो क्लीनिंग करते हो निकालते हो पहले क्या करते हो एक संग सारे डेटा को इंटीग्रेट इंटीग्रेट करते हो कैसे किया जैसे मैंने बोला कि मुझे ना हर एक रीजन का ईस्टर्न वेस्टर्न साउथ नॉर्दर्न सबका सेल्स रिपोर्ट चाहिए तो मैंने अलग अलग रीजन का क्या किया सेल्स रिपोर्ट मंगवाया और एक संग क्लब किया देखा तो डेट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रेशन फिर मैंने उससे मीनिंगफुल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाला मुझे सिर्फ क्या चाहिए था कस्टमर का नाम वाम कुछ नहीं चाहिए था मुझे सिर्फ क्या चाहिए था जनवरी फेबर मंथ मंथ चाहिए और बगल में सेल्स का फिगर चाहिए तो मैंने मुझे जो डेटा चाहिए वो मैंने मैंने सिलेक्ट किया फिर मैंने डेटा का क्लीनिंग किया जैसे आप कोयले में से कोई हीरा निकालते हो तो फिर उसके बाद उसको क्लीनिंग करते हो कटिंग करते हो ग्राइंडिंग करते हो पॉलिशिंग करते हो ना तो वैसे मैं यहाँ डेटा का क्लीनिंग कर रही हूँ फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही हूँ फिर उसके बाद डेटा माइनिंग कर रही हूँ मतलब या पैटर्न पता चला जिसकी वजह से मैं कुछ बहुत अच्छा डिसीजन ले सकती हूँ आगे जाकर तो इस पूरा प्रोसेस को हम लोग डेटा माइनिंग बोलते हैं तो डेटा माइनिंग इमेजिन योर सेल्फ की आप एक कोयले की खदान में से हीरा निकाल रहे हो तो पहले आप सब जोड़ते हो एक संग फिर उसके बाद सिलेक्शन करते हो फिर क्लीनिंग करते हो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो हीरा को जितना ज्यादा कटिंग करोगे पॉलिशिंग करोगे ग्रेडिंग करोगे वो उतना चमकता चला जाएगा फिर माइनिंग करते हो एंड पैटर्न इवेल्यूएशन क्लियर है यहां तक बताओ ठीक है एंड फाइनली ये जो अननोन पैटर्न आया है उसके बेसिस पे आप क्या ले रहे हो डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो बहुत बार एग्जाम में ये वाला स्टेप्स आता है डेटा माइनिंग का स्टेप्स बताओ क्लियर है थैंक यू शिवम क्लियर है तो डेटा डेटा इंटीग्रेशन मतलब आप समझ गए ना जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट डेटा लग रहा है जिसके बेसिस पे मैं रिसर्च करूंगी वो सारे डेटा को मुझे एक जगह स्टोर करना है तो दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रेशन फिर वहां पे बहुत सारे डेटा आ गए लेकिन अब मुझे उसमें से सिलेक्शन करना है मेरे लिए जो डेटा इंपॉर्टेंट है फिर क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन माइनिंग पैटर्न इवेल्यूएशन डिसीजन मेकिंग ठीक है तो हमने आज डिस्कस किया ये तीनों का डिफरेंस डेटाबेस क्या हो गया जिसपे आप काम करो आपके एक्सेल का फाइल रियल टाइम बेसिस में डेटा को स्टोर कर रहा है लेकिन डेटा वेयर हाउस दोनों डेटा को स्टोर कर रहा है ऑपरेशनल जो करेंटली आप जिसपे काम कर करो और नॉन ऑपरेशनल दोनों है ना और डेटा वेयर हाउस से आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो रिसर्च वर्क के लिए डेटा माइनिंग के लिए एंड देर बिग लार्ज चंक्स ऑफ यू नो डेटा सर्वर बहुत जगह होता है डेटा वेयर हाउस में देख रहे हो टेरा डेटा इन्फॉर्मेटिक का इतना लार्ज स्पेस ऑफ डेटा यूज करते हो और डेटा बेस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल एमएस एक्सएस माई एस और डेटा माइनिंग वर्ड का मतलब क्या

वेयर उसेज से ही तो डेटा निकाल के कर रहे हो नहीं तो आप कैसे करोगे ठीक है तो एग्जाम्पल हो गया अलग अलग मैंने बोला डेटा माइनिंग के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डेटा माइनिंग ठीक है आर आर लैंग्वेज ऑल द सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं आई होप यू गाइज एव एंजॉय द क्लास तो प्लीज मुझे बताओ अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज जरूर से फीडबैक दो आज का क्लास कैसा लगा वॉन्ट ईच एंड एवरी व्यूअर द टूडे क्लास टू गिव योर कॉमेंट इन द फीडबॉक बॉक्स ठीक है कॉमेंट बॉक्स में जरूर से फीडबैक देना तभी कल नेक्स्ट क्लास लूंगी और लाइक like बटन हिट कर दो और अपने वीडियो को फ्रेंड्स को भी शेयर करो ठीक है चलो बाय टेक केयर एंजॉय योर डे एंड सी यू सून टुमॉरो